अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स। सर दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FFC की जॉब्स के बारे में। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसको जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब और सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब्स आर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब्स आर डॉट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपने थोड़े से नीचे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है FFC जॉब्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पोस्ट है ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और स्कैड भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, तो जो फैसिलिटीज़ और सैलरी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त ये डिपार्टमेंट है। तो इसमें ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये केमिकल प्लांट ऑपरेटर है, इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग भी इसमें अगर आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल का डिप्लोमा भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल टेक्नीशियन है फिटर और मशीनिस्ट में, इसमें आपका मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है, इसमें मैट्रिक और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। दोनों में से अगर एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, इसमें मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा हो आपका इलेक्ट्रिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब एनालिस्ट है, इसमें BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, नॉट बी एस सी हॉर्न्स, ठीक है, सिर्फ BSc केमिस्ट्री जो 2 साल का प्रोग्राम है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम सीटों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल है, और मिनिमम जो है वो 18 साल है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अप्लाई ऐसे करना है कि इसकी जो लास्ट डेट है ये 20 सितंबर है, ठीक है। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, इसकी कोई फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अप्लाई आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर थोड़े से नीचे आना है और यहाँ पर व्यू करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर ना आप चेक कर सकते हैं, जो जॉब्स ओपन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे थोड़े से नीचे आना है और कैरियर पोर्टल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैरियर पोर्टल पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस ओपन होगा। आपने यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कोई भी आसान सा देना है जो आपको बाद में याद रहे, और कन्फर्म पासवर्ड करना है और साइन अप कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक कोड जाएगा, एक ईमेल आएगी, ठीक है। इस तरह से आपके ईमेल आएगी, आपके पास जो ईमेल आप देंगे। तो यहाँ पे क्लिकिंग हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे इस इंटरफेस पे। सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड देना है और साइन इन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। आपने यहाँ पे नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जॉब कैटेगरी, ठीक है, नॉन मैनेजमेंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स आर्मी आपने सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये नॉन मैनेजमेंट जो है, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी में जो आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, केमिकल, और अगर लैब एनालिस्ट के लिए करना चाहते हैं तो लेबॉर्ट्री के लिए, ठीक है, आप कैटेगरी यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, हर पोस्ट के सामने उसकी कैटेगरी लिखी हुई है। आपने उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पे सेव कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। आपका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।